ये 60 साल का बच्चा और 60 साल का जो बुजुर्ग है ना वो भी ये काम कर सकता है। मशीन खोलते हैं, देखते हैं, ये देखो चूचू निकल रहा है, ये देखो चूचू निकल रहा है, बच्चों को दिखाते हैं। अल्लाह के बंदे, जब चूजा निकलता है उस वक्त मशीन बहुत ज्यादा कम खोलें, जिसको बिल्कुल पता ही नहीं है कि ये काम कैसे करना है, उनके लिए ये मैं इनक्यूबेटर लेके आया हूँ। 5 मिनट सुबह और 5 मिनट सिर्फ शाम। सबसे बड़ी बात जो मैं बता दूं कि आजकल लोड शेडिंग का बहुत बड़ा मसला बन रहा है, उनके लिए ये, उन भाइयों के लिए ये मैं 12 वोल्ट इनक्यूबेटर लेके आया हूँ कि अगर लाइट चली भी जाए आप किसी भी छोटी सी बैटरी पे भी इसको चला सकते हैं। ये 12 वोल्ट पे चलेगा, आप सोलर प्लेट पे चला लें, बिजली पे चला लें, या आप जो कंप्यूटर की सप्लाई होती है 12 वोल्ट उस पर चला दें। बिल्कुल ही कम पैसों से शुरू होने वाला बिजनेस जो आप घर में अपने एक कमरे से एक साइड पे रख के स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपने करना कुछ नहीं है, सिर्फ अंडे रखने हैं और चूजे निकलने हैं, वो आपने सेल कर देने हैं। हमारे साथ चौधरी अली रजा मौजूद हैं, जो पिछले 20 सालों से ट्रक ड्राइवरी कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहां से मोटिवेशन ली कि ये बिजनेस लोगों को देने के लिए मार्केट में आ गए हैं कि मैं ये इनक्यूबेटर्स का बिजनेस लोगों को दूंगा और लोग इसको करके अच्छी इनकम कमाएंगे। मैं मशवरा ये दूंगा अपनी बहनों को, भाइयों को, जो बेरोजगार हैं, जो काम करना चाहते हैं और घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहते, उनके लिए ये मैं लेके आया हूँ। ये देखने में एक बॉक्स है, लेकिन ये अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि ये एक छोटी सी मशीन है, कोई भी मेरा भाई बहन इसको लेना चाहे, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, उनसे रब्ता करें, उनको हम ये देंगे और इंशाल्लाह ये हम इसकी जो गारंटी देंगे कि इससे जो चूजा है 100% निकलेगा। आज तक आपने यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा वीडियो देखी होंगी जिसमें आपको बस ये है कि मशीन मिल गई है, इनक्यूबेटर ले आए हैं और इनक्यूबेटर से चूजा नहीं निकला, डेड शेल हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद ये पहले इसका तजर्बे हासिल किए हैं, मैंने प्रैक्टिकल किया है और उसके बाद मैं मार्केट में आया हूँ कि मैं अपने भाइयों को अच्छे इनक्यूबेटर दूँ, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो, जिसको बिल्कुल पता ही नहीं है कि ये काम कैसे करना है, उनके लिए ये मैं इनक्यूबेटर लेके आया हूँ। मुझे तो पता ही नहीं है ये इनक्यूबेटर है क्या चीज, करना क्या है, इससे कैसे पैसे कमाने हैं। ये एक इनक्यूबेटर है, ये देखें, ये ले आना है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये ऑटोमेटिक कंट्रोलर लगा हुआ है, ये इसकी एक ट्रे है, ठीक है। इस ट्रे में आपने अंडे रख देने हैं, अंडे रख के इसको आपने बंद कर देना है। ये 12 वोल्ट पे चलने वाला इनक्यूबेटर है, ये वाला, ये 12 वोल्ट पे चलेगा, आप सोलर प्लेट पे चला लें, बिजली पे चला लें, या आप जो कंप्यूटर की सप्लाई होती है 12 वोल्ट उस पर चला दें। सुबह शाम आपने इसके अंडे जो उसको हाथ से हिलाना है, इसके अलावा इसको आपने कुछ भी नहीं करना। 24 घंटों में अगर मैं कहूं तो 5 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम और फिर सो जाना है। मैं 5 मिनट सुबह और 5 मिनट सिर्फ शाम, ये 5 मिनट भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, आप खुद ही देखें कि ये ऐसे करने में कितनी देर लगती है, ज्यादा देर नहीं लगती, बस ऐसे अंडे को हिलाएं, अगर नहीं तो ऐसे करके इसको, ऐसे करके वापस इसको बंद कर दें, इसको कुछ भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात जो मैं बता दूं कि आजकल लोड शेडिंग का बहुत बड़ा मसला बन रहा है, उनके लिए ये, उन भाइयों के लिए ये मैं 12 वोल्ट इनक्यूबेटर लेके आया हूँ कि अगर लाइट चली भी जाए आप किसी भी छोटी सी बैटरी पर भी इसको चला सकते हैं। दिन के वक्त लाइट ज्यादा तंग करती है, उस वक्त आप इसको सोलर प्लेट पर चला सकते हैं। अक्सर हमारे ऐसे इलाके हैं जैसे कि क्वेटा वाली साइड, क्वाट वाली साइड, उधर लाइट की 6-6, 7-7 घंटे की लोड शेडिंग है। उन दोस्तों के लिए ये मैंने चीज बनाई है कि वो सिर्फ ये देखें, 2 इसकी लीडें हैं, 2 बस इसको बैटरी पे लगाएं और भूल जाएं। ये ऐसी चीज मैंने तैयार की है और सबसे बड़ी बात है कि ये कभी भी अंडा खराब नहीं करेगी, इसकी ये हमारी गारंटी होगी। अच्छा रजा भाई, हमारे देखने वालों को ये बताएं कि ये बिजनेस कर कौन कौन सकता है। साकिब भाई, इसमें कोई भी इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि ये कोई नहीं कर सकता, ये 60 साल का बच्चा और 60 साल का जो बुजुर्ग है ना वो भी ये काम कर सकता है। मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि इसको 5 मिनट सुबह दें और 5 मिनट शाम खाली अंडे को हाथ से हिलाना है, अगर वो भी नहीं करना तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह फुल ऑटोमेटिक भी है कि जो इसको कुछ भी नहीं करना, खाली इसको खोल के चेक करना और बंद कर देना, ऐसे भी इनक्यूबेटर हमारे पास फुल ऑटोमेटिक हैं। एक दफा अंडा रखना है, 21 दिन भूल जाना, एक दफा अंडा रखना है और 18 दिन बाद आपने जो रोटेटर वाली रोटेट करती है ट्रे, उससे उतार के नीचे हैचर में रख देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने वो 2 दिन में चूजा आपका बाहर आ जाएगा, सिर्फ
एक दफा रखे 18 दिन आपने बेफिक्र हो जाना है कि 18 दिन हमने इसको देखना भी है। मुझे पता नहीं है, साकिब को पता ही नहीं है कि ये मशीन क्या है। मैं ले गया हूँ अपने घर में, रख दिए अंडे रख दिए, कोई प्रॉब्लम आता है तो बाद में अली रजा ने तो फोन ही नहीं उठाना। भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो इनक्यूबेटर है कोयटा, क्वाट, कराची और उसके बाद लाहौर, बहुत बहुत दूर तक हमारे इनक्यूबेटर जाते हैं। इधर सोशल मीडिया पे तो शायद आप भाइयों ने मुझे पहली दफ़ा देखा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग हैं जो हमें जानते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह किसी का इनक्यूबेटर ख़राब भी होना तो ये नहीं कि उसने मुझसे लिया या नहीं लिया, अगर उसने मुझसे नहीं भी लिया तो मैंने उसको बताना है, उससे पूछना है वीडियो कॉल करके या जो भी वो वीडियो मुझे सेंड करता है, मैं देखता हूँ कि उसके इनक्यूबेटर को क्या मसला है, किस वजह से। वो मुकम्मल अगर तफसीलात सही तरह से बताए तो उसका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ऐसे भाई हैं कि जिनको मैंने इनक्यूबेटर, हमारे पाक पतन शहर में ऐसे दोस्त हैं कि जिनके इनक्यूबेटर हमारे पास आए, मैंने ठीक किए और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो 100% रिजल्ट ले रहे हैं। चूजा निकल आया पहले दिन ही, चूजा सारा का सारा खलास मर गया। मेन वजूहात क्या है, बचा कैसे जा सकता है? असल में ना चूजा मरने की एक ही वजह होती है, वो मैं आपको भाइयों को बता देता हूँ कि जो जब चूजा निकलना शुरू होता ना तो हम लोग आते हैं मशीन खोलते हैं देखते हैं, ये देखो चूचू निकल रहा है, ये देखो चूचू निकल रहा है, बच्चों को दिखाते हैं। अल्लाह के बंदे, जब चूजा निकलता है उस वक्त मशीन बहुत ज्यादा कम खोलें क्योंकि ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से ये मसला आता है। और उसके बाद ये एक सेंसर होता है, ये कंट्रोलर का सेंसर है, जब ये बाहर रह जाता है ना उस वक्त ना तो टेम्परेचर इसमें वो कवर कर सक रहा है, इसकी वजह से टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से बाहर रहने की वजह से चूजा अंदर ही मर जाता है, क्योंकि जो इसके अंदर जो हीटर वगैरह लगे हुए हैं वो बंद नहीं होते सेंसर बाहर होने की वजह से, और वो सारे का सारा चूजा अंदर ही मर जाता है। रजा भाई हमें ये बताएं कि कौन सी ब्रीड से एक बंदा काम स्टार्ट करे जो बिल्कुल लो भी ना हो और ट्रेंडिंग ब्रीड भी ना हो, कि मैंने अंडा रखा चूजा निकलता था उसका टाइम खत्म हो गया। अरे आम जो गोल्डन मिश्री है उसका तो पहले 20 रुपए का अंडा लो, अगर आप गोल्डन मिश्री से या एस्ट्रालोप से आप काम शुरू करेंगे ना तो उससे मैं आपको मशवरा दूंगा उसके उससे काम शुरू ना करें, क्योंकि अगर उसका चूजा निकलेगा आपको सेल करने के हिसाब से बड़ी परेशानी, क्योंकि वो 20 रुपए का अंडा है, आजकल मार्केट में 16 रुपए का चूजा मिल रहा है। तो बेहतर मशवरा ये है कि बैंटम एक छोटी सी ब्रीड है, फैंसी है, बैंटम ब्रीड से शुरू करें, उसका 35 रुपए का 40 रुपए का अंडा मार्केट से मिल जाता है आम, उसका अंडा आप हैच करवाएं, जो उसका चूजा है वो आम रूटीन में आपको 100 रुपए का 120 रुपए का सेल हो जाता है। तो आपको मैं मशवरा ये दूंगा, कोई भी भाई है वो इनक्यूबेटर खरीदे अगर उसके पास ब्रीड नहीं है तो अंडे आप किसी से लेके भी हैच करवा सकते हैं, तो बैंटम से काम शुरू करें, वो आपको कभी भी नुकसान नहीं देगी, फायदा ही देगी। देखने वाला बंदा पागल तो नहीं है, उसने 40 रुपए का अंडा लेकर हैच करवाया, वो बेचेगा कहाँ पे ये तो बताओ। आजकल व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और उसके बाद यूट्यूब पे इतने ज्यादा लोग हैं, आप तो बस एड लगाने की देर है। आजकल फैंसी मुर्गी जो है ना गाँव में शहरों में बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता कि ये फैंसी मुर्गी क्या होती है क्या नहीं होती। कबूतर सुने हैं लोगों ने कि फैंसी कबूतर है, लक्के कबूतर है, इस तरह के मुर्गियां जब मार्केट में आती है ना, किसी के सामने चूजा जाता है गली मोहल्ले में, किसी को पता चले कि इनके पास फैंसी मुर्गी है, तो वो चूजा उधर आपके 150-200 चूजा तो आपके मोहल्ले में सेल हो जाता है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या आपके पास भी कोई मुर्गियां हैं या सिर्फ? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो इनक्यूबेटर फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था काम, जो इनक्यूबेटर मैंने शुरू किया था उसमें हमने अंडे अपनी ही मुर्गियों के रखे थे, तो मैंने जो इसका तजर्बा हासिल किया अपने अपनी मुर्गियों के अंडे रख के तजर्बा हासिल किया था, मैंने कहीं से खरीदे नहीं थे और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो 100% रिजल्ट पाया है, आगे देखें अल्लाह की मर्जी। जी बहुत शुक्रिया रजा भाई, आपने हमारे व्यूवर्स को अच्छा बिजनेस आइडिया दिया, अच्छे अच्छे मशवरे दिए। व्यूवर्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।